वेल हेलो एंड वेलकम तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी इससे आपको हेल्प मिलेगी इन चूजिंग दो स्टॉक्स जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे या कैपिटल अप्रिसिएशन दे सकते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग इन अ सेंटेंस और इन अ नक्शल वेल बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स नाउ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैव फ्यूचर वैल्यू प्रोस्पेक्ट जो आपको फ्यूचर में कैपिटल अप्रिसिएशन दे सकते हैं अगर आज एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है विच डेफिनेटली मीन्स डैट इन द फ्यूचर इट हैज द पोटेंशियल टू यू नो गिव वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट जो आपको फ्यूचर में वैल्यू दे सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे एंड यू कैन गेट कैपिटल अप्रिसिएशन एज योर प्रॉफिट ना वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पॉपुलराइज़ किया था ब्रिटिश बॉन्न अमेरिकन वैल्यू इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रहम ने बेंजामिन ग्रहम के मोस्ट नोटेबल फॉलोअर्स में से एक थे वॉर बफेट बोथ ऑफ देम वर वैल्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये एनालाइज किया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही वो अपनी कैपिटल प्रिजर्वेशन को कैपिटल अप्रिसिएशन बना सकते हैं सो so, आपका गोल सिर्फ आपके पैसे को प्रिजर्व करना नहीं है आपका गोल है अपने कैपिटल को अप्रीशिएट करना जो कि आप कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एंड चूजिंग दैम इंस्टेड ऑफ द ओवर वैल्यूड स्टॉक्स बट द बिग क्वेश्चन ईयर इज दैट देर आर एन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स विच आर एक्चुअली फ्लोटेड ऑन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस उनमें से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स फॉर दैट देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जन ऑफ सेफ्टी वेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको एक टैकलिंग एरर क्वेश्चन देता है जो आपके डाउन साइड रिस्क को मिनिमाइज़ करता है और आपके फ्यूचर वैल्यू प्रोस्पेक्ट को इंक्रीज करता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है इट बेसिकली इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ़ द शेयर एंड इट्स इंटरेंसिक वैल्यू इंटरेंसिक वैल्यू क्या होता है करंट मार्केट प्राइज ऑफ द शेयर अगर उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है विच मीन्स की स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एंड इन्वेस्टमेंट इन सच अ स्टॉक वुड नाइट विच वुड माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल बट अगर एक शेयर का करेंट मार्केट प्राइज उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है दिस मीन्स दैट द स्टॉक इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड एंड इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू कैपिटल अप्रिसिएशन इन फ्यूचर तो ये बात हुई द मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो बेसिकली कंपेयर करता है इंट्रेंसिक वैल्यू वर्सेज करंट मार्केट प्राइज इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इंटरेंसिक वैल्यू कम है तो द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड राइट नाउ लेट्स आइडेंटिफाई कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है वेल इंटरेंसिक वैल्यू बेसिकली ट्रांसलेट्स टू द ट्रू वर्थ ऑफ द कंपनी जो कि कैलकुलेट की जाती है डिफरेंट क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स से अगर आप उसके क्वालिटेटिव मेजर्स को देखना चाहेंगे विच इंक्लूड्स द गवर्नेंस द मैनेजमेंट एंड क्वान्टिटेटिव मैथड्स मेजर्स इंक्लूड द कैश फ्लोज द फाइनेशल द अर्निंग्स द रेवन्यूज राइट तो उसके बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज होते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कैल्कुलेटिंग द इंट्रेंसिक वैल्यू इज द टी सी एफ मॉडल और द डिस्काउंटेड कैश फ्लो जिसमें कि जितने भी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू द फर्म है वो कैलकुलेट किए जाते हैं उनके फ्यूचर प्रोजेक्शंस और एस्टिमेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं एंड देन दे आर डिस्काउंटेड एट द प्रेजेंट रेट प्रेजेंट रेट पे उन्हें डिस्काउंट करने के लिए रिस्क फ्री रेट यूज किया जाता है एंड रिस्क फ्री रेट जनरली एंड ऑफन विच इज़ यूज इज द रेट ऑफ द ट्रेजरी बॉन्ड्स फॉर ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स और डिपेंडिंग ऑन द इक्विटी एनालिस्ट जो रिस्क फ्री रिटर्न अपने तरीके से चूज करना चाहता है सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑफ द इंट्रेंसिक वैल्यू बट फॉर यू इट इज important टू नो दैट वो कंपनी की ट्रू वर्थ आइडेंटिफाई करती है डिफरेंट क्वानिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स को कंसिडर करके अदर पॉपुलर मेथड्स विच इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेंसिक वैल्यू इंक्लूड एफ सी एफ एफ एंड एफ सी एफ ई एफ सी एफ एफ इज फ्री कैश फ्लो टू द फर्म एंड एफ सी एफ ई इज़ फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी ये बात हुई इंटरेंसिक वैल्यू की वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस का क्या रिलेशन है करंट मार्केट प्राइस अगर कंपनी की प्रोजेक्टेड ट्रू वर्थ से ज़्यादा है विच डेफिनेटली नीड मीन्स दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड क्योंकि उसका करंट मार्केट प्राइस उसकी ट्रू वर्थ से ज़्यादा है लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है सो दिस मीन्स दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बिकॉज जो उसका मार्केट प्राइज है वो उसकी ट्रू एस्टिमेटेड वर्थ से नीचे ट्रेड हो रहा है उससे नीचे चल रहा है एंड इट डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन सो अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं यू नो योर सेलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ बेसिस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू कैन सब्सक्राइब टू द रिपोर्ट्स ऑफ एनी ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट उन रिपोर्ट्स में इंट्रेंसिक वैल्यू दी जाती है यू कैन कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइज विद द इंट्रेंसिक वैल्यू यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू डिफरेंट रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश बाई द रिसर्च सर्विसज फर्म्स जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी मैंशनड होती हैदर दैन इम्पोर्टेंट रेशो आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द इंटरेंसिक वैल्यू सो अगर आप अपना स्टॉक सिलेक्शन को सिम्पलीफाई करना चाहते हैं लुक फॉर द इंटरेंसिक वैल्यू एंड नाउ बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन जस्ट गूगल द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी शेयर यू कैन गो टू द रिलायबल रिसर्च एनालिस्ट

स्टॉक सेलेक्शन को सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं यूज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपेयर द करेंट मार्केट प्राइज विद द इंट्रेंसिक वैल्यू इफ द इंट्रेंसिक वैल्यू इज़ हायर देन द स्टॉक डेफिनेटली इज अंडर वैल्यूड जो आपको डाउनसाइड रिस्क मैनेजमेंट देगा वॉलिटैलिटी रिस्क मैनेजमेंट देगा एंड अपेरेंटली कैपिटल रिस्क कैपिटल अप्रिसिएशन मैनेजमेंट भी देगा यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गिव मी कैपिटल अप्रिसिएशन इन द फ्यूचर एंड इट इज ऑल्सो अ रिस्क टेकलिंग और एरर टेकलिंग क्वेश्चन जो आपके एरर को या फिर आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है तो इससे आपका स्टॉक सिलेक्शन सिंप्लीफाई भी हो जाएगा एंड इट्स रिलेटिवली अ कन्वीनियंट वे टू बिकम द नेक्स्ट वॉर एंड डुफे सो वेल्यू इन्वेस्टिंग इज वेटिंग फॉर यू जस्ट यू नो यूज योर डिस्क्रेशन वाइल इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज But anyway, so value investing definitely has opened its doors for you. Make money, it's time to appreciate your capital. And for more such amazing videos on finance, keep following the Irish Coffee Investment for more. If there is any query, just reach out to me via the comment section or via different social media platforms. Irish Coffee Investment is on LinkedIn, Twitter, Instagram, and Facebook as well. Thank you so much for watching this video. Please like, share, and subscribe. Thank you so much.